मेरे प्रिय आत्मन, आज मुझे लगा कि वो वक्त आ गया है कि मैं खुद सखा के बारे में बात करूं। बहुत जरूरी है ये बात करना। बहुत समय से देखा और अपने पूरे जीवन काल में देखा तो एक चीज के लिए बड़ा चिंतित रहता था। चारों तरफ ऐसे सोए हुए लोगों की भीड़ है जो बहुत पूर्वाग्रहों से जो है ग्रसित है, और यही कारण था कि मुझे 1,00,000 पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा। यही कारण था, वो 1,00,000 पुस्तकें जब मैंने पढ़ी तो मुझे मनुष्य के दिमाग को समझने में थोड़ी आसानी हुई। मुझे समझ में आया कि कौन से धर्म का व्यक्ति किस चीज से ग्रसित है, कि 1,00,000 प्रयास के बाद दूध भी वो जागता नहीं, वो सोया सोया रहता है। लेकिन जब कभी कोई बुद्ध का शिष्य मेरे पास आता तो बुद्ध के संबंध में प्रश्न करता। मैंने बहुत जवाब दिए, क्योंकि पहले उनकी धारणाएं तोड़ने से पहले जरूरी था इस चीज को कि उनकी धारणाओं को एक बल देना कि जिस आदमी को वो सुनते हैं वो उनके हृदय को भी समझता है। कोई कृष्ण पे प्रश्न करने बैठ जाता, कोई लाओत्सो, और फिर तो दुनिया के सारे संतों की खोज करके मेरे सामने प्रश्नों का अंबार लगा दिया गया। और एक समय वो भी आया कि जब मैंने बुद्ध के प्रेम में होने के बावजूद भी उनकी धारणाओं को गिराने के लिए बुद्ध के खिलाफ बोला। लेकिन एक जगह मैं भी चूक गया, और वो ये चूक गया कि पूरी जिंदगी कभी बुद्ध, कभी राम, कभी महावीर, कभी जीजस, कभी नानक, कभी दादू, कभी मीरा, कभी रज्जब, इन सब पे बोलते बोलते मैं ये भूल ही गया कि मुझे भी अपने दिल की कुछ कहनी थी। हां, मेरी शब्दों से और मेरी वाणी से प्रभावित होकर तो बहुत लोग मेरे पास आए, लेकिन उनमें से एक भी नहीं था जिससे मैं प्रभावित हो सकता। लेकिन ये एहसास इतनी देर में हुआ कि तब तक मेरे सानिध्य में रहने वाले लोग भी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए थे। मेरी उन हजार कोशिशों के बावजूद जिसमें मैं डे बाय डे उनको तोड़ने की कोशिश करता, लेकिन मेरी हर कोशिश से एक पूर्वाग्रह निर्मित होता। मैंने कहा कि ध्यान करो, लोगों ने ध्यान पकड़ लिया, लेकिन जब मैंने कहा कि ध्यानी प्रेम से भरा होता है, इसको किसी ने नहीं पकड़ा। विधियां बहुत पकड़ी गईं, और विधियों में भी वो विधियां जिससे तुम्हारे अहंकार को और बल मिले, उन विधियों पे तुमने बहुत काम किया, डायनेमिक पे तुमने बहुत जोर दिया। लेकिन मैंने निश्चल ध्यान योग भी कहा था, मैंने आनापान सति योग भी कहा, मैंने कल्पना भोग भी कहा, मैंने यह भी कहा कि चाय के पीने को ध्यान बनाया जा सकता है। लेकिन आज इतने सालों बाद भी किसी भी शिविर में चाय को कैसे ध्यान बनाया जा सके, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। शरीर की अपनी एक दायरे होते हैं, तुम्हें समझाते समझाते मैं उन दायरों का ख्याल रखना भूल गया, और एक वक्त आया जब मुझे शरीर छोड़ के जाना था, लेकिन मैं कौन हूं, मैं तुम्हें क्या सिखा रहा था, मेरा होना क्या,
चंद्रमोहन से लेके और ओशो तक की यात्रा में क्या कोई नाम है जो मेरा विशेष नाम है? उफनते पानी में छलांग लगाने से लेके और थेरियम जहर के खाने तक क्या मेरा कोई रूप है? या दाढ़ी मेरी पहचान? अगर मैं दाढ़ी कटा दूं तो तुम पहचानोगे नहीं? या अगर मेरे पास टोपी ना हो, सैकड़ों की भीड़ ना हो, मैं अपने वाणी में थोड़ी मधुरता ना लाऊं, तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? लेकिन तुमने तो यही किया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे गाउन सिलवा लिए, वो मेरे चलने की, उठने की, बैठने की बहुत अच्छी नकल करने लगे। क्या वो मुझे समझे? कुछ लोगों ने मेरी कही गई बातों के कैसेट सुना सुना के ध्यान शिविरों में जिस जगह कुर्सी पर मुझे उपस्थित होना चाहिए था उस जगह बैठ के एक डीजे का रोल निभाया, क्या वो मुझे समझे? और सबसे बड़ी बात, शशांक पे एक आरोप, सखा पे एक आरोप कि तुम ओशो को समझे नहीं, तो मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे हर सन्यासी से पूछता हूं, ये बताओ मैंने कब कहा था कि तुम मुझे समझो? मैंने हमेशा तुम्हें निमंत्रण दिया अपने पास आने का कि तुम स्वयं को जान सको, लेकिन तुम मुझे जानने में लग गए। तुमने मेरे चलने उठने को कॉपी किया, तुमने मेरी बातों को अपने मतलब के अनुसार ढाल लिया। मैंने जब मीरा पे बोला तो मीरा जैसी प्रतिभाओं के लिए बोला, लेकिन मैं देखता हूं कुछ सन्यासी जिनमें बुद्ध होने की क्षमता थी मीरा की तरह नाच रहे हैं। कौन समझा मुझे? क्या मैं उन किताबों में था जो मेरे द्वारा बोली गई, या उन किताबों में जो शब्द तुमको बोले गए उसके पीछे मैं था? मैंने जब ये कहा कि हर सन्यासी में मेरे प्राण होंगे, तो मैंने क्या तुम्हें शब्द दिए थे या किताबें दी थी कि जाना और घर घर इन्हें बेच देना? मैंने तो तुमको कहा था कि तुम खिलो, अपने ढंग से बोलो, अपनी बात बोलो। और ये बात अलग है कि जब भी कोई बोलेगा, स्वाद लेके बोलेगा, तो उसमें मेरी झलक मिलेगी। बहुत लोग मेरे जीवन काल में ऐसे मेरे पास आए जो कहते थे आपके पास आने पे प्रतीत होता है कि किन्हीं जन्मों में आपका सानिध्य रहा, और मैं हां कह देता। इसका क्या मतलब था? क्या वो मेरे चेहरे देख के मुझे पहचान रहे थे, या मैं किसी जन्म में और भी ऐसे गुरु बन के बैठ के कहीं लेक्चर दिया? फिर क्या था उन्हें जो लग रहा था कि मेरे सानिध्य में रहे? मैं तो उनकी हां में हां इसलिए मिलाता था कि जब भी कोई जागा, जब भी किसी ने कोई स्वाद चखा, तो वही चखा जो मैंने चखा। कोई ना पृथ्वी पे मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने ये स्वाद चखा, ना अंतिम हूं कि मेरे बाद कोई चखेगा नहीं, क्योंकि यदि मैं अंतिम होता तो तुमको ध्यान विधियां इन सब चीजों में धक्का क्यों देता?
तो जिसने भी स्वाद चखा वो चाहे हजार वर्ष पूर्व कोई भी एक झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान हो या हिमालय की पहाड़ी पे रहने वाला कोई साधु, उसके सानिध्य में अगर कोई रहा और इस जन्म में वो मुझे मिलता है तो मुझ में वो झलक पाएगा कि उसको एहसास होगा कि किन्हीं जन्मों में मेरे सानिध्य में रहा। लेकिन क्या भविष्य में ऐसे किसी होने की संभावना नहीं है कि जिसके सानिध्य में लोग मेरा स्वाद महसूस कर सकें? मैं जाते जाते इस दुनिया से एक दर्द लेके जाता और वो बहुत गहरा दर्द, और वो दर्द ये था कि मैंने जिस माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की उसी माध्यम को पकड़ के लोग सो गए। मेरे जाने के 30 साल बाद यदि मैं आज भी शरीर में होता तो तुम क्या समझते हो तुम्हें डायनेमिक और कुंडली और अच्छे ढंग से करवाता, या तुमसे कहता और जोर लगाओ तुम्हारे प्रयास में कमी है? मैंने पूरे जीवन भर ये महसूस किया कि मेरे ही प्रयास में कोई कमी है। इसके लिए मैंने जितनी बदलाहट हो सकी, जितने आयामों से हो सका, तुमको कहने की कोशिश की, कितने माध्यमों से कहने की कोशिश की। मैंने सेक्स पे भी बोला ताकि तुम्हारी धारणाएं टूटें, लेकिन तुमने उसमें पकड़ लिया ब्रह्मचर्य को अपनाना। मैंने तुमको यह भी बताने की कोशिश की कि मैंने भी सेक्स किया, लेकिन तुमने वो बातें मजाक में उड़ा दी। मैंने तुम्हारी धारणाएं तोड़ने के लिए फक के ऊपर लेक्चर भी दिया कि तुम्हारी शाब्दिक व्याख्याएं टूटें, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरी उस बात को भी एक बहुत अच्छा व्याकरण कहके अपनी बेहोशी को मजबूत बनाए रखने में इस्तेमाल कर लिया। क्या चाहते हो तुम? बार बार तुम्हारे लिए सूलियां चढ़े लोग और तुम सूली टंगता देख के बाद में उनकी तस्वीरें बनाओ? मैं ये नहीं चाहता। मैं ये तो चाहता था कि तुम में से कुछ लोगों को सूली दे दी जाती। मैं ये तो चाहता था कि मेरे सन्यासियों को लोग जहर का प्याला देते। मैं ये तो चाहता था कि मेरे बहुत से सन्यासी बुद्ध की तरह राजपाट त्याग देते। मैं ये भी चाहता था कि महावीर की तरह तुम्हारे कानों में लकड़ियां ठोकी जाती, लेकिन तुमने मेरी बातों के गीत लिखने शुरू कर दिए। तुमने रोल्स रॉयल के मेरे किस्से अपने सर के ताज बना लिए, जैसे रोल्स रॉयल तुमने खरीदी हो। तुमसे जो अच्छी शीला निकली, तुम सबसे अच्छी। जिसने भी मेरी पूजा की, जिसने भी मेरे फोटो लगा के अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश की, उससे अच्छी तो वो शीला निकली जो मेरे विरोध के बावजूद भी ये कहने से नहीं हिचकती कि आज भी मुझे उस आदमी से प्रेम। विरोध क्या है? एक कचरा। जब मैंने तुमसे कहा कि तुम सोने को निखारोगे तो तुम्हें एक आग से उसको गुजारना होगा, उसमें कचरा जलेगा। लेकिन कचरा है, कोई मेरे पास आ जाने से, मेरी माला पहन लेने से तुम प्योर सोने हो जाते हो, ऐसा तो नहीं?
तुम्हें भी उस आग से गुजरना होगा। उस आग में बहुत सी गंदगी निकलेगी, थोड़ी गंदगी मेरे हिस्से में आएगी, थोड़ी तुम्हारे हिस्से में आएगी, लेकिन एक दिन तुम शुद्ध होगे। लेकिन तुमने मेरी उन बातों को जो मैंने तुम्हारे मन को हिलाने के लिए कही थी कि तुम्हें एक स्वाद मिल सके कि जिससे तुम्हारा हृदय शीतल हो, तुमने मेरी उन बातों को मीठी मीठी बातें बना के अपने कान में मिश्री घोल के और सोने में और ज्यादा सहयोगी हो गए। थोड़े से प्यारे हैं, थोड़े से प्यारे वो भी हैं जिनको मैं प्रेम करता हूं, लेकिन मैंने देखा कि उन थोड़े से प्यारे लोगों को तुम समझने को तैयार नहीं। तो आज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं, ना तो मैं एक टोपी लगाए लंबी दाढ़ी में एक बड़ी बड़ी आंखें तुमको दिखाता हुआ एक बूढ़ा हूं, ना ही मैं उन किताबों में हूं जिनको पढ़ के तुम अपने अहंकार को पोषित कर रहे हो, बल्कि मैं तो उस आग में हूं जो खुद भी जल जाना चाहती। मुझे और मेरी आग को केवल वो राख पहचान पाएगी जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया। तुमने इतने दिनों में सखा के अपमान में क्या कमी छोड़ी, क्या कमी छोड़ी, जब वो मेरे प्रेम में होके अपने शहर में मेरी किताबों के माध्यम से लोगों को बात कहना चाहता था, तब तुम ही सन्यासी थे जिनमें से एक भी आदमी ने उसके यहां से किताबें लेना पसंद नहीं किया। जब वो अपने शहर में मेरी ही बात को कहने के लिए, मेरी ही आग को जलाए रखने के लिए, प्रेमियों के लिए मदद करने को खड़ा हुआ, तो तुम ही सन्यासी थे जिसने उसे व्यभिचारी कह के बुलाया। जब उसने मेरी देशना को, मेरी उस आग को अपने हृदय में रखते हुए किसी को अपनाने के खातिर अपने घर का त्याग कर दिया, तो तुम ही लोग थे कि जो उसको वासना से भरा कहते थे। जब उसने मेरे ही प्रेम में पूरे तरीके से अपने को लुटा के हर तरीके से बात कहने की कोशिश की, तब भी तुम लोग कुछ मालाधारी जिन्हें एक घमंड था कि मैंने तुम्हें माला दी, उस घमंड में मेरा ही अपमान करने से नहीं चूके। जब उसने अपना सब कुछ लगा के तुम्हें मेरी देशना के तहत ओशो कुंभ में निमंत्रण दिया, तब भी तुम नहीं आए। और आज जब वो मेरी वास्तविक देशना के तहत अपने मुख से अपनी बात अपने ढंग से कहता है, तो भी तुम्हें चैन नहीं। तो मैं तुम सबको बता देना चाहता हूं, जो लोग मेरी विचारों से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, मैं आज घोषणा करता हूं कि उन सब से मेरा नाता टूटता है। और जो किसी भी नई आग को अपने सीने में बसा के चलने के लिए राजी हैं, वो मेरे शरीर छोड़ने के उपरांत भी दूसरे शरीरों के माध्यम से, अशरीरी नहीं,
दूसरे शरीरों के माध्यम से मेरे स्वाद को चखेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये भूलने योग्य बात नहीं है। आज सखा को मैंने वाहन बनाया तुम तक अपनी बात कहने के लिए, और मैं चाहता हूं कि तुम तक मेरी बात पहुंचे, लेकिन इस मीठे ढंग से नहीं जो तुमने अभी तक इस वीडियो में देखा, बल्कि उस तीखे ढंग से जिस ढंग से सखा मेरी आग को आगे बढ़ा रहा है। तो सुनो, सखा की जवानी ही सुन लो। हां, मैं ओशो होना चाहता हूं, लेकिन कौन सा ओशो, कौन सा ओशो होना चाहता हूं? हां, मैं सखा वो ओशो नहीं होना चाहता जो एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 3 दिन तक किताबें पढ़ता। मैं वो ओशो नहीं होना चाहता जो अपने प्रवचन में आने से पहले 15 मिनट तक खांस के ये तैयारी करता हो कि प्रवचन के दौरान कोई खांसी ना आ जाए जिससे तुम्हारा विचार भटके। मैं वो ओशो नहीं होना चाहता। मैं वो ओशो नहीं होना चाहता जो अपने शारीरिक कष्ट को सहने के लिए शीला को भेज के और छुपे तरीके से ड्रग्स मंगा के लेते थे। मैं ओशो नहीं होना चाहता। मैं वो ओशो होना नहीं चाहता जिसके विवेक के साथ संबंध थे लेकिन दुनिया को वो जगजाहिर नहीं होने दिए गए। मैं वो भी ओशो नहीं होना चाहता जो केवल ध्यान के माध्यम से तुम्हें जगाने का कार्य करता है। और मैं वो भी ओशो नहीं होना चाहता जिसके पास लाखों की भीड़ इकट्ठी हो और उनके ऑडियो को सुनते वक्त उसको नींद आ जाती हो। मैं वो भी ओशो नहीं होना चाहता जिसके सन्यासी शिविरों में जाके प्रेम और सेक्स की बात तो करना चाहते हूं लेकिन किसी स्त्री का दामन थामने में उनकी मरती हूं। ऐसे नपुंसक सन्यासियों का मैं ओशो नहीं होना चाहता। मैं बिल्कुल भी किसी भी तरह से तुम्हारे अहंकार को फुसलाने को राजी नहीं हूं कि तुम मुझसे आके नानक पे बात पूछो, और मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए सहलाऊं कि तुम सिख संप्रदाय में जन्मे। मैं 2-4-10 प्रवचन तुम्हारे सिख समुदाय को सहलाने के लिए नहीं दूंगा। मैं पहले ही बात में उस चीज का खंडन कर दूंगा जो तुम्हें पूर्वाग्रह से ग्रसित करती। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे अहंकार को फुसलाने के लिए राजी नहीं हूं। तुम मेरे पैर पड़ो, तुम मुझसे माला मांगो, तुम मुझसे नाम मांगो, इसमें भी कोई मुझे रस नहीं है। चूतिया से बेहतर नाम मैंने इस जगत में दूसरा नहीं देखा। चूतिया का मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, लेकिन मेरे शहर में चूतिया का मतलब होता है बेवकूफ। जो सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बन रहा है उसे हम चूतिया कहते हैं। तो जो चूतिया है, जो सब कुछ जानते हुए भी बेवकूफ बनने को राजी है, मैं सिर्फ उसके लिए ओशो होना चाहता हूं। क्या तुम में हिम्मत है? मैं अपने हर सन्यासी को चूतिया शब्द से बुलाना चाहता हूं जो मुझे बड़ा प्रीतिकर है। कितना अच्छा लगे कि स्वामी आनंद स्वभाव का नाम चूतिया आनंद स्वभाव हो।
कितना अच्छा लगे कि मां शीला की जगह चूतिया शीला कही जाए। कितना अच्छा लगे कि तुम्हारे गले में माला पहनाने की जो बातें होती हैं उसकी जगह तुम्हारे गले में पड़ी हुई सारी धारणाएं उतार ली जाएं। मैं ऐसा ओशो होना चाहता हूं जिसका नाम सखा ही होगा, क्योंकि चूतिया ओशो अब मुझे पसंद नहीं। अब तुम समझ सकते हो कि इसमें मेरा ओशो के प्रति प्रेम है कि गाली। जिसको चूतिया गाली लगती है उसको चोट होने वाली है, और जो मेरे चूतिया को समझ गया वो समझेगा मेरे प्रेम को ओशो के प्रति। तो चूतिया ओशो की बजाय चूतिया सखा ज्यादा अच्छा है। आप लोग मुझे चूतिया सखा कह के भी बुला सकते हैं, मुझे शब्द बहुत प्रीतिकर है, मुझे कोई भी अड़चन नहीं होती इसमें। जितने प्रेम से मैं दूसरों के लिए इस्तेमाल करता हूं उतने प्रेम से अगर कोई मेरे लिए इसको इस्तेमाल करता है मुझे कोई अड़चन नहीं है। लेकिन जब जब कोई व्यक्ति मेरे लिए मेरी पोस्ट पे ये लिखे कि चूतिया शशांक, तो वो अपने नाम के आगे भी चूतिया लगा के लिखे और मुझे बहुत खुशी होगी और मैं समझ जाऊंगा कि वो मेरे प्रेम में है। मैं चाहता हूं कि चूतिया ओशो के जितने भी चूतिया शिष्य हैं वो सारे अपनी माला उतार के फेंक दें, क्योंकि वही माला उनकी अंतिम रुकावट है। अगर वो ऐसी हिम्मत कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि उन्होंने अपने को समझने की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा पूरी जिंदगी प्रयास रहेगा कि तुम मुझे जानने की बजाय अपने को ज्यादा जान जाओ। मुझे जानने का कोई उपाय नहीं, कोई भी उपाय नहीं। मेरे संग कोई आदमी अपनी पूरी जिंदगी भी बिता दे तो मुझे पूरा जान सके ऐसा उसके लिए संभव नहीं। और दूसरी बात, ध्यान का मैं विरोध करता हूं, और जब मैं कहता हूं मैं ध्यान का विरोध करता हूं तो मेरा अर्थ है हर उस विधि का विरोध जो तुम्हें याद रह जाती है और ध्यान का स्वाद चखने में तुम्हारे लिए बाधा बन जाती है। मैं ध्यान को स्वाद कहूंगा, वो स्वाद कोई प्रेम में ले ले, कोई नाचने में ले ले, कोई गाने में ले ले, कोई वर्तमान की व्यवस्थाओं का विरोध करने में ले ले, कोई व्यक्ति चलने में ले ले, कोई किसी के पैर छूने में ले ले, कोई किसी के सर पे चढ़ जाने में ले ले। मुझे उस ध्यान की बात करनी है, ना कि उस विधि की जिस विधि के तुम आदि होके अपने आप को वास्तव वाला चूतिया समझने लगे। तो मैं ओशो होना चाहता हूं लेकिन गाड़ियों के लिए नहीं, बड़े आश्रमों के लिए नहीं, सन्यासियों की भीड़ के लिए नहीं, बल्कि उन दो चार प्यारों के लिए कि जिनके सानिध्य में यदि मेरी मौत हो तो वो मेरी लाश को जलाने के बजाय अपने गोद में रखना पसंद करें, ना कि उन हजारों की भीड़ के लिए जो मेरे जाते ही मेरे शरीर को बॉडी कह के संबोधन शुरू कर दें। जिस शरीर के साथ मैं इतने प्रेम से रहा, जिस शरीर के साथ
लोगों ने मुझे इतने प्रेम से गले लगाया। यदि उसके बदबू छोड़ने पे उसको जलाने की लोग तैयारी करने लगे तो जान लेना वो कोई भी इंसान कभी मुझे प्रेम किया ही नहीं था। हाँ, बाकी कुछ लोग होंगे, कुछ प्रशासन के लोग होंगे, कुछ और भी लोग होंगे जिन्हें मेरे शरीर को जलाने की जल्दी होगी, उनको उनका काम करने से भी ना रोका जाए, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन जो लोग मुझे जला देना नहीं चाहते, मेरी सड़ी हुई दुर्गंध रहित सहित लाश से भी जिनको प्रेम हो, मैं उनके साथ को इतना महसूस करना चाहूंगा कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके लिए मैं बुद्धत्व को ठुकरा के दोबारा जन्म लेने को तैयार हूं। मुझे किसी प्रकार की बुद्धत्व की मूर्खताओं से कोई लेना देना नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में चढ़ी बैठी है। मुझे तो चूतियत्व ज्यादा प्यारा है, बुद्धत्व से ज्यादा प्यारा है चूतियत्व। लेकिन बुद्धत्व की बात कर लेते हैं कि तुमको चूतियत्व से जो है वो परिचय करा दूं, क्योंकि जितने भी जगत में हुए हैं बुद्ध वो सब चूतियत्व को ही उपलब्ध हुए, नहीं तो कोई राजा का घर क्यों छोड़ देता। तो अंत में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कैसा वाला ओशो होना चाहता हूं जो सखा नाम से ही पुकारा जाएगा। तो आज सुनो, आए जो मेरे शेरों पे महफिलों से दाद, आए जो मेरे शेरों पे महफिलों से दाद, लगता है कोई गलत राह पा गया हूं मैं। ताली बजी तो लगता है मदारी हुआ हूं मैं, ऐसी नहीं थी चाह कहां आ गया हूं मैं। बैठो किसीले लब हो और आंखें भी हों पत्थर, तुमने देखा तुम वाह वाह में लग जाते हो, कोई तुम्हारे प्याले में अपनी शराब लौटता है और तुम वाह वाह उसकी तारीफों से इतना भर जाते हो कि उस शराब को भी गिराने लग जाते हो। तो मैं कहता हूं कि बैठो किसीले लब हो और आंखें भी हों पत्थर, आज तुम्हारी महफिलों को मैखाना बना रहा हूं मैं। साकी की थी तलाश तुम्हें, लो अब आ गया हूं मैं। देखो मेरी आंखों में क्या पिला रहा हूं मैं। पागल सभी हैं दोस्त मेरे चूतिया, पागल सभी हैं दोस्त मेरे जो पाके गल करें, सभी पागलों के दर्द यहां बतला रहा हूं मैं। सभी पागलों के दर्द यहां बतला रहा हूं मैं। आहा उसकी सुनो जिसको कोई दर्द नहीं है, आहा उसकी सुनो जिसको कोई दर्द नहीं है, देख तुम्हारी ही तकलीफें करा रहा हूं मैं। और तकलीफों में झांको तो लगे मैं ही है कारण, तकलीफों में झांको तो लगे मैं ही है कारण, तुम्हारे इस अहम को तुमसे छीनने आ रहा हूं मैं। बदले में तुम्हें दूसरों के दर्द दूंगा मैं, बदले में तुम्हें दूसरों के दर्द दूंगा मैं, अंतस में अपने इसी मजे को पा रहा हूं मैं। मुझसे करो मोहब्बत, कोई बुत नहीं हूं मैं, मुझसे करो मोहब्बत, कोई बुत नहीं हूं मैं, पैगामे यही सारे जहां में पहुंचा रहा हूं मैं। आप सबको मेरा प्रणाम, आपके अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करूं, इतना मैं मूर्ख नहीं। हां, किसी के अंदर कोई चूतिया दिख जाएगा तो उसके अंदर बैठे चूतिये को मेरा प्रणाम, जो चूतिया होने को राजी हैं वो इस महाचूतिया से संपर्क कर सकते हैं।
बाकी अपनी टंग टोंग टूंग टेंग टांग। आज गाली नहीं दूंगा।